नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो क्विज टेस्ट का उद्देश्य है आपके द्वारा पढ़े गए सवालों को पुनः आपको याद करवाना। तो इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे वन लाइनर 30 इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे और उसके जवाब भी बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे मात्र 3 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। आंसर होगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 2, वास्को डिगाम्बा कहाँ का रहने वाला था? आंसर होगा पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 3, लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 4, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस को। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत के रचयिता कौन हैं? आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? आंसर होगा विजय घाट। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर होगा कौटिल्य चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 8, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 11, और आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। और आप इस वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो लाइक भी कर दीजिए और आप अपने मित्रजनों में व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दीजिए। जो करेंगे उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका मूड नहीं है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश फेमस है? सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश फेमस है? आंसर होगा जापान। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 15, ओनम किस राज्य का फेमस त्यौहार है? आंसर होगा
केरल। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आंसर होगा 1911। आप 1912 भी सोचे हो तो राइट आंसर होगा, क्योंकि 1911 में आपका घोषणा किया गया था, फाइनली 1912 में बना। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर होगा शुक्र। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आंसर होगा बाघ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आंसर होगा मोर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? मेरा फेवरेट है, राइट आंसर होगा आम। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राइट आंसर होगा कमल। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आंसर होगा बरगद। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आंसर होगा हॉकी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? आंसर होगा वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी और राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन नंबर 28 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 29, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? आंसर होगा शक संवत। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? आंसर होगा 52 सेकेंड। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए सवाल है, दो में से आप दो का भी आंसर बता सकते हो, लेकिन कम से कम एक का आंसर बताना अनिवार्य है। आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा क्यू फॉर यू और इसके आंसर। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? यदि इसका राइट आंसर गेस कर सकते हैं तो वे कमेंट करिए, या अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, इसका आंसर आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट करिए, या दोनों का आंसर आप गेस कर सकते हैं तो और लगा करके आप कमेंट करिए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस मैटर पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके हिसाब से वीडियो जरूर बना करके दे। जेन्युइन आप कमेंट करिए, और यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मिसलेनियस वीडियोज, हिस्ट्री,
के वीडियोज भी आप देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और सुबह का समय है, आप इस वीडियो को शेयर भी करिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।